हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट आज कुछ जस्ट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लगभग 5 से 6 दिनों से इस वेबसाइट पर मेंशन है, जो कि ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है और इस पर मेंशन किया गया है कि ये जो रीफ के जो एडमिशन फॉर्म है वो जो है 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 22 सितंबर से तक चलेंगे, और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जो 27 सितंबर तक रिलीज कर दी जाएगी। और आज अगर आपने देखा होगा तो दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर आता है उस पर भी ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि राजस्थान की जो प्रोसेस होती है एडमिशन प्रोसेस वो जस्ट स्टार्ट हो रही है 6 सितंबर से, यानी 6/9/2021 से। तो आज अपन जो है इसका पूरा कुंडली निकालेंगे रीफ की, कि जस्ट आपको कहाँ एडमिशन लेना है, किन बच्चों को कहाँ नहीं लेना है, कहाँ लेना चाहिए, कौन सा कोर्स बेटर है, सिविल लेना चाहिए कि नहीं, इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, स्कोप है कि नहीं है, किसको कितना कौन सा चूज करना चाहिए, गर्ल्स के लिए भी कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, किसका स्कोप ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं, जो इसका जो टॉप इंस्टीट्यूट है इसके अंदर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है जोधपुर, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे जयपुर का SKTIT है या GRC वगैरह वगैरह, जयपुर के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो जस्ट ये प्राइवेट के अंदर भी कैसे भी एडमिशन ले सकते हैं, नो इशू, प्राइवेट में तो कोई भी ले सकता है। कि 99% मेजोरिटी स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो। अब लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी कहाँ लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, तो अगर अपन बात करें MBM जोधपुर की, तो यार आपको MBM जोधपुर के अंदर सिविल लेके या इलेक्ट्रिकल लेके या मैकेनिकल लेके क्या फ़ायदा होगा बताइए? जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मुझे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है सिविल से, या फिर जो है सिविल से करनी है, इलेक्ट्रिकल करनी है जो MBM से करनी है, तो फिर उनको क्या फ़ायदा होगा जो जयपुर के अंदर रहे हैं? कोई जो बच्चा है वो अलवर से कर रहा है या फिर इधर मारवाड़ एरिया से कर रहा है राजस्थान से, और जयपुर के आसपास इधर रह रहा है, टेक्नोलॉजी ज़माने में रह रहा है, इधर मारवाड़ में जा रहा है जिधर पानी भी नहीं मिलता ठीक से, फिर क्या फ़ायदा, क्या इम्प्रूवमेंट होगा उसकी लाइफ में? और जस्ट आपको ये सब क्यों चूज करना, जैसे आप अगर 2021 चल रहा है अभी पूरी तरह से इसको ब्लास्ट कर दिया है सिविल को, जो है ये जो आपका जो बच गया मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल है, कोरोना वायरस की वजह से एकदम जॉब्स ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है सिविल वगैरह की, तो फिर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो जस्ट लाइक सिविल वगैरह जो कर रहे हैं फिर उसको क्या फ़ायदा होगा? तो फिर कौन से चूज करने चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या जो स्टूडेंट्स जयपुर के हैं उन्हें MBM नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेना क्यों नहीं चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज। तो जस्ट आपको अगर लेना ही है कोर्सेज, तो जैसे जो जिन कोर्सेज के अंदर स्कोप है ना वही चूज की, जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है सिविल के अंदर, तो आप अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, तस्कर तमाची फाड़ तोड़ सकता है। जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि जस्ट वो ऐसे ही कि मार्क्स की जिस मार्क्स के बेसिस पे जो मिल गया वो ठीक है, तो फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता, फिर उसका फ़ायदा ही क्या, राइट? तो जिन बच्चों को जस्ट लाइक अगर कंप्यूटर साइंस लेना है, IT के अंदर इंटरेस्ट है कि हमको तो कंप्यूटर साइंस लेना ही लेना है किसी भी हाल में, चाहे हमें जम्मू कश्मीर डाल दें, पाकिस्तान डाल दें, किसी भी हाल में हमें IT लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, सिविल लेना है, मैकेनिकल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, उनके रग रग में ये सब दौड़ रहा है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब जिन बच्चों का ये डिसाइडेड नहीं है कि मुझे कौन सा मिलेगा, वो जैसे ऊपर तो कंप्यूटर साइंस फिल कर रहे हैं, फिर IT कर रहे हैं, फिर सिविल कर रहे हैं, फिर मैकेनिकल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जस्ट जो भी हमारे लायक होंगे वो मिल जाएगा, तो उसका तो जस्ट क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कुछ स्कोप कोर्सेज की, तो वो है जैसे आप चूज कर सकते हो जस्ट लाइक फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे रीप के अंदर तो शायद नहीं होगा या फिर प्राइवेट के अंदर मिल सकता है किसी में, तो आपको जस्ट टॉप कोर्सेज जो चूज करना चाहिए वो एक तो है फूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली, कभी ख़त्म नहीं हो सकता ये कोर्स, ठीक है, वो जो खाना तो खाना ही पड़ेगा ना सभी को, एलियंस को भोजन तो चाहिए ना, धूप तो खानी पड़ेगी, तो फूड टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो यार, अच्छा कोर्स है, अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, अच्छा क्या है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर बात करें, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो आजकल बाइक तो लेके जा नहीं सकता मैं, अहमदाबाद से मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, किसका यूज करोगे, एरोप्लेन का, जहाँ से पाता है एरोनोटिकल एरोस्पेस, इसका भी स्कोप पड़ेगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर तुम एरोनोटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही करो, ठीक है ना, एविनेशन सेक्टर में भी जा सकते हो, BBA वगैरह वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर अपन बात करें फिर हॉस्पिटलिटी की, अब जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो 12th में मैथमेटिक्स लिए हैं, तो वो मेडिकल वगैरह में जा नहीं सकते, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। आप सभी ने सुना होगा जैसे लाइक जो एयर होस्टेज होते हैं हमारे जो एरोप्लेन के अंदर, हमें
जो ध्यान वगैरह रखते हैं, सिट डाउन, यस, नाउ, ठीक है, वो जो पढ़ते हैं ना, सुना होगा एरोप्लेन में कभी बैठे हो तो, ठीक है, यस, सीट बेल्ट लगाओ, ठीक है, वो होते हैं ना मैम, तो जस्ट लाइक एयर होस्टेस वगैरह वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है. इफ़ यू आर ए गर्ल देन यू कैन चूज दिस एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी. इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही है, और जस्ट तुम्हें स्कोप कोर्सेज चूज करने चाहिए यार. सिविल के अंदर जो भी गर्ल्स कोर्सेज कर रही है क्या फ़ायदा होगा उनको, तो इलेक्ट्रिकल कर रही है. अभी जो कुछ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हमें जो है MBM के अंदर इलेक्ट्रिकल करनी है. एक लड़की बोल रही थी मुझे सिविल करनी है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा सिविल से उसको. जस्ट लाइक जो IIT के अंदर भी अभी बहुत सारा लो लेवल पे चल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या ऐसे कोर्सेज चूज करने चाहिए जिसका जस्ट आप अभी जो सिविल कर रहे हो सकता है अभी आपको दिख रहा हो कि अभी उसको 10 लाख का पैकेज मिला है, उसको IIT के अंदर 50 लाख का पैकेज मिला है, लेकिन आपको जस्ट 5 साल के बाद का सोचना होगा ना. अभी यहाँ पे सोचना क्या होगा, आपको पैकेज तो 4 साल बाद मिलेगा, तो 2005-2006 के अंदर मिलने वाला है ना, तो फिर 5 साल बाद का सोचो आगे क्या होने वाला है. वैसे आगे का कुछ कहा तो नहीं जा सकता जिस प्रकार से कोरोना आया है, लेकिन जस्ट ये है कि जो कोर्सेज है, स्कोप कोर्सेज है, जस्ट लाइक है एरोनॉटिकल है, एरोस्पेस है, फूड टेक्नोलॉजीज है, ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में भी स्कोप नहीं है, इसकी जॉब नहीं है, जॉब है, सिविल के भी जॉब है, लेकिन सभी के लिए नहीं है, ठीक है ना. सिविल की जॉब है लेकिन लड़कियों के लिए भी नहीं जाता, ठीक है ना. हाँ है, जॉब है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जॉब बिल्कुल भी नहीं है. हाँ जॉब है, ठीक है ना, सब सेक्टर में जॉब है. अगर आपका इंटरेस्ट है तो है सब सेक्टर के अंदर जॉब, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. लेकिन जो कुछ टॉप कोर्सेज की अगर बात करें तो एक नंबर पर जो आता है वो फूड टेक्नोलॉजीज. अब ये भी नहीं है कि सारे कंप्यूटर साइंस छोड़ के फूड टेक्नोलॉजीज में चले जाएंगे. फूड टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर साइंस चाहिए, और कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन चाहिए. अब उसका यूज करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, मशीन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो इलेक्ट्रिकल बिजली तो चाहिए ना, तो कोर्स की डिमांड तो सभी की रहेगी. अब खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, मशीन तो चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वाले की जरूरत तो पड़ेगी हमें. अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी जॉब्स नहीं है, लेकिन जस्ट तुम्हें जस्ट रिसर्च करना होगा, अपने आप पर काम करना होगा, सोचना होगा, स्कोप ढूंढना होगा, ठीक है ना. आप इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसी में जाओगे ना. अब मेरे कहने से मैं बोल रहा हूँ तुम्हें एरोस्पेस में लो ऐसा थोड़ा ना करोगे, ठीक है. अगर तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हर कोई बोलेगा उसमें तुम चले जाओगे, राइट. तो यू कैन चेंज टू द बेटर कोर्सेज. अगर कुछ कोर्सेज की अगर बात करें तो जैसे स्ट्रीम के अंदर जो है ये MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, चूज कर सकते हो तुम कंप्यूटर साइंस. RTU कोटा जो है टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना. बीकानेर टेक्नोलॉजी है, इसे भी चूज कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है. और जस्ट लाइक जो ये जो मारवाड़ एरिया के अंदर जो कॉलेजेस है ना, जो ये जस्ट लाइक जो छोटे कॉलेजेस आते हैं जिनका ना यूट्यूब पे वर्णन मिलता है कुछ, जैसे आपने गांव का नाम भी नहीं सुना होगा, तो ऐसे गांव के अंदर एडमिशन लेने से क्या फ़ायदा होगा, राइट. तो मैं चूज़ तो कर दिया वहाँ पे कंप्यूटर साइंस अभी चॉइस फिलिंग के अंदर, अभी वो एडमिशन हो जाएगा. फिर इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आएगा कि आपके पास इतने दिन बाकी है, आप जस्ट हमारे पास स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, ये भी बोलेंगे गवर्नमेंट वाले कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है ना. हमारे यहाँ पे जॉब लगती है, हमारे यहाँ पर कंपनी वाले आते हैं, लेकिन उन कॉलेजों के अंदर फ़ायदा क्या होगा. जैसे बहुत सारी लिस्टें मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं रीप के अंदर जो तकरीबन 500 से लगभग 100 से 150 कॉलेज तो ऐसे मिल ही जाएंगे आपको कम से कम, ठीक है ना, जो लोकल एरियाज के अंदर. तो उसके अंदर एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. RTU से एफिलेटेड है हम बोलेंगे वो, लेकिन RTU डायरेक्ट कराता है हमारा प्लेसमेंट. RTU के जो अंदर जो कंपनी आती है वो हमारे अंदर भी आती है, वही लेकर जाती है हमारे बच्चों को, ये बोलेंगे आपको, ठीक है. तो यू कैन चूज योर बेटर कोर्सेज, ओके. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग टॉप कोर्सेज जिस लाइक एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, फूड टेक्नोलॉजीज, एविनेशन, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, ओके, थैंक यू, वो पढ़िएगा.